समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तत्काल प्रभाव से प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को छोड़कर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के सभी युवा संगठनों, महिला सभा एवं अन्य सभी प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष सहित राष्ट्रीय राज कार्यकारिणी को भंग किया गया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने बीते 24 जून को 2022 के चुनाव के हार के बाद पहली बार संगठन के साथ समीक्षा बैठक की थी। आपको बता दें कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम को नई टीम के गठन की जिम्मेदारी दी है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में रामपुर और आजमगढ़ चुनाव के हारने के बाद अखिलेश यादव ने दोनों जिला अध्यक्षों से समीक्षा रिपोर्ट मांगी थी। अखिलेश यादव ने नई टीम के गठन के लिए 4 समिति के सदस्य नामित करने को लेकर भी सुझाव मांगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।